हेलो दोस्तों, मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कार ज्ञान में। आज के इस वीडियो में आपको आपके कार के एसी से रिलेटेड या फिर उस एसी के मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ टिप्स दूंगा। अगर आप आपके कार का एसी बहुत लंबे समय के बाद यूज़ कर रहे हैं या फिर आपका कार का एसी ज़्यादा एयर फ्लो नहीं दे रहा है, तो इसकी रीज़न क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपका कार का एसी एकदम चलते चलते वर्क करना ना छोड़ दे और इतने गर्मी के सीज़न में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो लेट्स बिगिन। तो जैसे कि गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और आपको अपने कार के एसी की नॉर्मली ज़रूरत तो पड़ती ही होगी। अगर मैं मेरे एरिया का बताऊं तो यहाँ पे कम से कम 35 से 40 डिग्री से ऊपर ही टेम्परेचर रहता है आजकल। तो इस कंडीशन में बिना कार के एसी के ड्राइव करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर ऐसे टेम्परेचर में अगर आपका कार का एसी वर्क करना छोड़ दे कुछ माइनर मेंटेनेंस ना करने के कारण, तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इस वीडियो में आपको यही सब बताने वाला हूँ कि आपके कार में कब कैसा मेंटेनेंस आपको कर देना चाहिए और कुछ कंडीशन होती है तो उसमें आपकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसका थोड़ा बहुत सॉल्यूशन मैं बता सकता हूँ। तो वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये रहती है कि आपने अपने कार के एसी को बहुत लंबे समय से यूज़ नहीं किया है। मतलब डायरेक्टली बताऊँ तो आपने पिछले समर को यूज़ किया और अब आप इस गर्मी में वापस यूज़ करने जा रहे हैं। मतलब आपने दो सीज़न में एसी को ड्रॉप कर दिया। नॉर्मली बारिश में भी थोड़ा बहुत एसी यूज़ हो जाता है, तो आप एक सीज़न ड्रॉप कर दिया से सोच सकते हैं, मगर इसको टेक्निकली देखा जाए तो एक गलत रहता है। क्योंकि आपके एसी का जो रूटीन बना रहना चाहिए नॉर्मल वर्किंग के लिए, जैसे कि अगर भले ही कितनी भी ठंडे कितना भी विंटर सीज़न है, आपको हर वीक में कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए आपके एसी को वर्क करने देना चाहिए, ऑपरेट कर लेने देना चाहिए, मतलब उसको यूज़ कर लेना चाहिए। तो इससे आपके एसी की जो नॉर्मल रूटीन बनी रहती है, जैसे कि आपके एसी के जो ब्लोअर्स रहते हैं, कंप्रेसर रहता है और उसमें जो रेफ्रिजरेंट गैस रहती है, उसकी जो नॉर्मल रूटीन बनी रहे, वर्किंग उसकी नॉर्मल होती रहे। अगर आप लंबे समय तक यूज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके कंप्रेसर में लुब्रिकेशन कम पड़ जाए या फिर आपकी गैस में आपकी गैस कम हो जाए। मतलब नॉर्मली भी होती है, बट इसमें आपकी चीज़ें ज़्यादा तेज़ हो सकती हैं कि आपने उसको यूज़ ही नहीं किया है, तो ऐसा हो सकता है। तो आपको नॉर्मली यूज़ करना चाहिए। बट अगर आपने नहीं किया है और आप लंबे समय के बाद यूज़ करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने एसी को चालू करने के बाद उसको नोटिस करिए। मतलब उसमें आपको एयर अच्छे से मिल रही है कि नहीं, कूल एयर मिल रही है कि नहीं जितनी पहले थी, या फिर जो आपके एसी के कूलेंट के जो पाइप रहते हैं कहीं उनमें लीकेज तो नहीं हो रहा है। मतलब लीकेज वैसा नहीं कि उसमें से आपको पानी की ड्रॉपलेट दिखें, वो तो आपका ह्यूमिडिटी के कारण होता ही है, वो तो हर कार में आपको ये मिलेगा। बट कहीं आपको लीकेज इस टाइप का तो नहीं लग रहा कि उसमें से गैस निकल रही है या फिर उसमें क्रैक्स तो नहीं है, आपको वो नोटिस करना है। आपको एक आइडिया ले लेना है कि आपका एसी मतलब जैसे नॉर्मली वर्क करता था वैसे कर रहा है कि नहीं, कुछ आपको अलग साउंड तो नहीं आ रही है इंजन बे से या फिर कुछ अलग आपको ऐसा कुछ नोटिसिबल कुछ अलग चीज़ तो नहीं लग रही है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है जैसे कि आपका एसी सिस्टम कुछ अलग आवाज़ कर रहा है या फिर आपको इतनी अच्छी कूलिंग नहीं मिल रही है या फिर आपको इतना अच्छा एयर सर्कुलेशन नहीं मिल रहा है, तो आपको इस आपके एसी का मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा, वो भी ऑथोराइज टेक्नीशियन हो एसी का। आपको ऐसी हर कहीं से नहीं करवाना चाहिए, इससे हो सकता है आपका एसी और ख़राब हो जाए। कोई भी ऑथोराइज्ड मतलब ट्रेंड टेक्नीशियन के पास अपने कार को ले जाएं, उसका एसी का अच्छा मेंटेनेंस करवा लें, अगर उसमें गैस कम हो चुकी है तो उसको फिर से फिल करवा लें, तो यही आपका मेन जो हो सकता है वो है। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि आपके कार के एसी कूलिंग बहुत अच्छी कर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको जो एयर का फ्लो है वो कम लग रहा है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि एयर कहीं ब्लॉक हो रही है। तो उसका मेन रीज़न ये रहता है कि आपका जो पोलन फिल्टर या फिर केबिन एयर फिल्टर रहता है वो ब्लॉक हो चुका है, उसमें बहुत सारा डस्ट या पोलन जमा हो चुका है, तो आपको उसको रिप्लेस कर लेना चाहिए। नॉर्मली हर कंपनी अपने मैनुअल में लिख के देती है, सर्विस मैनुअल में, कि हर कंपनी की अलग वो रहती है, टाइम लिमिट रहती है, कुछ कंपनी 1 साल कहती है, कुछ 2 साल कहती है, तो नॉर्मली आपको 1 से 2 ईयर के बीच में उसको चेंज तो करवाना ही चाहिए। बट अगर आपने नहीं करवाया है, फिर आपको समय से पहले ही कुछ एयर ब्लॉकेज लग रहा है, तो हो सकता है आपके कार का एयर केबिन फिल्टर वो ब्लॉक हो चुका है, तो उसको चेंज करना तो इजी रहता है। आपको आपका ग्लव बॉक्स खोलना रहेगा, जो नीचे वाला ग्लव बॉक्स रहता है उसको खोलना है और उसके पीछे आपको ट्रे मिल जाएगी, उस ट्रे को आपको पुल करना है और आपको आपका एयर पोलन फिल्टर मिल जाएगा।
कभी भी बिना उस फिल्टर के कार को ना चलाएं, इससे आपके कार के केबिन में बहुत सारी डस्ट आ सकती है और आपके कार के केबिन में पोलन भी आ सकता है, जिससे कि आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है और बहुत सारे मेजर हेल्थ इशू हो सकते हैं जैसे कि अस्थमा। तो आप इस टाइप का ना करें, वो एयर पोलन फिल्टर हमेशा लगवा लें और उसको अच्छे से क्लीन रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपकी कार में एक पार्ट और ऐसा रहता है जिसमें आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपके कार के एसी के साथ इंजन को भी अफेक्ट कर सकता है। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ड्राइव पुली है, मतलब आपके इंजन में आपको एक पुली देखने को मिलती होगी, आप उसको ड्राइव बेल्ट भी बोलते होंगे। तो वो पुली का भी मेजर रोल रहता है आपके कार के एसी और पूरे इंजन की वर्किंग में। अगर वो पुली आपकी लूज़ हो जाए या फिर टूट जाए तो आपका इंजन वर्क करना बंद कर सकता है और आपका एसी तो बंद कर ही देगा अगर वो लूज़ हो जाए तो, क्योंकि वो पूरी क्रैंक शाफ्ट की मतलब इंजन की पावर, वाटर पंप, एसी कंप्रेसर एटसेट्रा जितने भी वर्किंग कंपोनेंट रहते हैं उन तक पहुंचाता है। तो उसको भी आपको रेगुलर अपने सर्विस मैनुअल में जो लिखा रहा है उस हिसाब से आपको चेक करवाते रहना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत मेजर कंपोनेंट होता है आपके कार के लिए। और नॉर्मली आपको अपने कार के कंप्रेसर में लुब्रिकेशन करवाते रहना चाहिए, जो कि आपका बेल्ट की जगह रहती है वहाँ पर थोड़ा बहुत लुब्रिकेशन करवाते रहना चाहिए। और आपके जो एसी की जो गैस रहती है उसको भी नॉर्मल कुछ समय के बाद आपको रिफिल करवाते रहना चाहिए, क्योंकि वो गैस भी बहुत ज़रूरी रहती है, उसी के सहारे आपका पूरा एसी सिस्टम वर्क करता है। तो आप उसको भी रिफिल करवाते रहें जैसा कि आपके मैनुअल में लिखा रहे, ऑनर्स मैनुअल में। और अगर नहीं लिखा तो नॉर्मली वो भी आपका 2 से 3 साल के बीच में आपको रिफिल करवाना पड़ जाता है, तो उसको भी करवाते रहें। और एक बात का और ध्यान रखें कि आप जब भी अपनी कार को कहीं पार्क करें तो हमेशा उसको कुछ शेड के नीचे पार्क करें, क्योंकि जब भी आप आपकी कार को धूप में पार्क करेंगे, मतलब खुली जगह पे करेंगे, उससे डायरेक्ट हीट आपकी कार में आएगी और कार का अंदर का टेम्परेचर मतलब आपका डबल हो सकता है। जैसे बाहर 40 डिग्री है तो कार के अंदर आपका 80 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा सकता है। तो इस कंडीशन में आपको कार में आने में गर्मी तो लगेगी, वो तो ऑब्वियस ही बात है, बट आप आते से ही अपनी कार के एसी को फुल पे सेट कर देंगे, उस कंडीशन में आपके एसी पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। मतलब जो नॉर्मल तो आपको लोड रहता ही है, मगर उसमें आपको कार को एकदम से ज़्यादा टेम्परेचर को रिड्यूस करने का लोड पड़ जाएगा, इससे भी आपके एसी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम होगी, बट हो सकती है कि आपके कार के एसी पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है। तो जितना हो सके कि आप अपनी कार को शेड वाली जगह पर पार्क करें, कोई छांव के नीचे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस प्रकार की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। जानता हूँ बहुत दिन में वीडियो आई है, उसके लिए हम रियली सॉरी, एंड इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।